नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज पशुपति कुमार पारस ने सभी को जाकर निमंत्रण दिया। दरअसल पुण्यतिथि होने वाली है 8 तारीख को स्वर्गीय रामविलास पासवान की, और पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित किया है पशुपति कुमार पारस ने। आज पटना पहुंचे वो, उसके बाद वो जीतन राम मांझी के पास गए, सीएम नीतीश कुमार के पास गए और बीजेपी के कई नेताओं के पास भी मिलने गए और उन्हें निमंत्रण दिया पुण्यतिथि के कार्यक्रम का। तो ये मौका था और इस मौके के बाद, इस निमंत्रण के बाद पशुपति कुमार पारस ने बैठक की, पीसी की, और उसमें खूब गरजे चिराग पासवान पर। चाचा आज बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं क्योंकि बंगला फ्रीज हो गया है और अब जो भतीजे उनके यानी चिराग पासवान निर्दलीय हो गए हैं। जी हाँ, निर्दलीय हो गए हैं। और कहा है उन्होंने, आज जो पशुपति कुमार पारस ने खूब हमला बोला है पटना में बैठकर अपने भतीजे चिराग पासवान के खिलाफ, और कहा है कि अब तो उनका बंगला फ्रीज हो चुका है। दरअसल उन्होंने कहा कि और कोई रास्ता ही नहीं था। दरअसल ये अभी चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव, तो उस उपचुनाव में चिराग पासवान जिस तरह से चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो वो बंगले का दुरुपयोग कर सकते थे, इसलिए उन्होंने ये बातें कही थी, चुनाव आयोग के सामने ये रखी थी ये बातें। उसके बाद ही बंगले को फ्रीज कर लिया गया है और मामला अब कोर्ट में है, कोर्ट का फैसला आएगा तभी किसका बंगला है ये फैसला होगा। लेकिन अभी जिस तरह से जो चुनाव आयोग का फैसला आया है उस पर चाचा बहुत खुश हैं। क्या कह रहे हैं पूरी बात आपको सुनवाते हैं। जीवित कर लिया हूं। आज चिराग पासवान जी से पूछिए कि चिराग पासवान जी किस चौराहे पर खड़े हैं। जो व्यक्ति पार्टी के वरिष्ठ सांसद से मिलने के लिए एक महीना समय देना पड़ता था चिराग पासवान जी यहाँ मिलने के लिए, वो आदमी गांव गांव घूम रहा है। उनसे जाके पूछिए कि लोक जनशक्ति पार्टी जो समाप्ति की ओर थी, लोक जनशक्ति पार्टी में तानाशाही प्रवृत्ति हुआ था, राष्ट्रीय अध्यक्ष तानाशाह बन गए थे और उनके तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ में हमारे 5 सांसद हम लोग मिल के माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से मैंने आग्रह किया कि हमारे दल में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, इसलिए अब लोकतंत्र की गरिमा को बचाते हुए नैतिक परिवर्तन का आदेश दीजिए। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने इसकी जानकारी ली, इसका इंक्वायरी करवाया और उन्होंने सही पाया और उन्होंने चिराग पासवान जी को संसदीय दल के नेता पद से हटा के पशुपति कुमार पारस को संसदीय दल का नेता बनाया। ये कानून सम्मत है, देश का संविधान बताता है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे उन्होंने लोकसभा से एक बिल पास किया था कि जो जनप्रतिनिधि हैं चाहे सांसद हो विधायक हो, 2/3 बहुमत से यदि कोई दल में दल का अध्यक्ष तानाशाह बन जाए तो 2/3 बहुमत से वो दल बदल कर सकते हैं, उसको दल बदल कानून लागू नहीं होगा। उसके तहत हम लोगों ने किया है, हमारा दल लोक जनशक्ति पार्टी हमारी है और हमारा दल है। एनडीए को कोई खामियाजा नहीं होगा, आप रिजल्ट देख लेना 2 नवंबर को, कोई खामियाजा नहीं होगा। उनके जो उम्मीदवार हैं को अब कल जो चुनाव आयोग का डिसीजन हुआ है उसके हिसाब से मुझको लगता है कि उनका उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। अब वो निर्दलीय घोषित हो गए, जब निर्दलीय घोषित हो गए चुनाव चिन्ह भी आवंटित उनको नहीं होगा, दूसरा को चुनाव चिन्ह मिलेगा। यदि उम्मीदवार कोई तैयार होगा भी वो 1,500 फुट लेकर किसने मर जाए। तो सुन लिया आपने कि बहुत खुश हैं पशुपति कुमार पारस। उनका कहना है कि जिस तरह से चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया था कि चुनाव लड़ेंगे तो वो जो बंगला छाप है, जबकि उस पर अभी किसी का कब्जा नहीं है, ना मेरा है और ना ही भतीजे का है, ये तो कोर्ट में है मामला। जब तक फैसला नहीं हो जाता, किसी को नहीं लड़ना था तो चुनाव आयोग ने सही कदम उठाया है। और साथ ही साथ उन्होंने नसीहत भी दी अपने भतीजे को चिराग पासवान को, उनकी पोल भी खोली और कहा कि वो इतने निरंकुश हो गए थे, LJP जो है हाशिए पर चली गई थी, पार्टी समाप्त होने वाली थी क्योंकि चिराग पासवान किसी से मिलते जुलते तक नहीं थे, लेकिन आज गली गली गांव गांव घूम रहे हैं। एक वक्त ऐसा था कि अपने पार्टी के सांसद से मिलने के लिए सांसदों को जो है पार्टी के 1 महीने का वक्त लगता था चिराग पासवान से मिलने के लिए, लेकिन आज जब पड़ी है सर पर तो वो गली गली गाँव गाँव घूम रहे हैं। तो
चाचा ने नसीहत भी दी और साथ ही साथ खुशी भी जताई कि आखिरकार जो अभी जो चुनाव हो रहा है, जो दो उपचुनाव होने वाले हैं जिस पर तमाम लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, एनडीए की तरफ से तो उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, दोनों जेडीयू के खाते में गया है, लेकिन महागठबंधन में काफ़ी किचकिच मची हुई है। अभी जो खबरें आ रही हैं कि आरजेडी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस भी अड़ गई है कुशेश्वर स्थान पर, तो लड़ाई वहाँ बहुत ज़बरदस्त है। एनडीए के अंदर तो ज़बरदस्त नहीं है, मतलब एनडीए के अंदर तमाम चीज़ें तय हो गई हैं, लेकिन अब जो है इस पर नजरें हैं। और इसमें तीसरा कौन, जिस तरह से चिराग पासवान डाल रहे थे, वो कह रहे थे कि साफ साफ कि वो चुनाव लड़ेंगे ये तय है, तो अब चुनाव वो लड़ेंगे जरूर, लेकिन निर्दलीय के तौर पर, यही कहना है पशुपति कुमार पारस का कि अब वो निर्दलीय हो गए हैं, लड़ेंगे भी तो उन्हें कोई फायदा वायदा मिलने वाला है नहीं, यानी बेकार हो गया। जिस तरह से चिराग पासवान दावा कर रहे थे, उनके दावे टाइप टाइप फिस हैं। और पशुपति कुमार पारस अब एनडीए के लिए प्रचार में भी उतरेंगे, तो चाचा ने भतीजे के तमाम दावों की हवा निकाल दी है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।